गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो राहुल रहता है उसे पता चल जाता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, आई मीन दे आर फ्रेंडशिप नॉट है। और उन्हें जब एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में पता करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो अलग ही रिलेशनशिप चल रही है इनकी, जिसके बारे में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखते हैं उसके आगे। राहुल बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। वो ये सोच रहा था कि इस रिलेशनशिप के बारे में मैं जाके उसकी मॉम को बता देता हूँ, फिर जब नेहा की मॉम को पता चलेगा तब तो बहुत मज़ा आएगा। पर वो कहता है कि ये लोग बच जाएंगे, इसलिए वो ये प्लान करता है कि इन्हें रेड हैंड पकड़े। वो सोच रहा था कि कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे करूँ जिसकी वजह से मैं ये सब करूँ। और अभी उसके माइंड में ये सब चल रहा था कि वो ऐसा ओकेशन चाहता है जिस ओकेशन में वो काम करे, बट इतने आसानी से उसे ओकेशन मिलना जाहिर सी बात है नहीं था। दूसरी तरफ जो सैम और नेहा रहते हैं वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे रहते हैं, पूरी रात उस पप्पी के साथ भी खेलते हैं, मस्ती मजाक चल रही रहती है। रेगुलर जो उनका नाइट रूटीन होता है वो सब पूरा करने के बाद मॉर्निंग में जब वो जाते हैं तो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके उन्हें पता चलता है कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए नेहा और सैम एक साथ आए हैं उन्हें बहुत जल्दी ख़त्म करना है। नेहा और सैम को ऊपर ये बर्डन होता है कि उन्हें ख़त्म करना है प्रोजेक्ट को, एक अच्छे लेवल पे जाना है, तो सब लोग काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। नेहा और सैम अपने ऑफिस लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि दोनों को एक दूसरे के साथ रोमांस का टाइम ही नहीं मिल रहा रहता है। और वो इतना बिजी रहता है क्योंकि अभी तक तो उनका आधा ही प्रोजेक्ट, मतलब 1/4 हुआ रहता है, उनको 2/3 तक तो अभी कंप्लीट करके देना रहता है किसी भी हालत में। तो वो उस काम में बहुत ज़्यादा बिजी लगते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन होती है, उनके बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो 2-3 दिन तो उनके कंटिन्यूसली ऐसे ही बीत जाते हैं, ना उन्हें टाइम मिलता है किसी चीज़ का ना किसी और चीज़ का। थोड़े टाइम तक तो ऐसे ही चल रहा रहता है, फिर उनका टारगेट रहता है कि ये 2 या 3 मंथ्स में ख़त्म करना। जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है सैम और नेहा को कि 3 या 4 महीने में उन्हें ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, तो सैम ये सोचती है यार 3 या 4 महीने के बाद जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा नेहा को अपने वापस घर जाना पड़ेगा। और अब तो ये दोनों कपल की तरह रहने लग गए हैं, एक दूसरे के साथ रहने लग गए हैं, फिर कितना मुश्किल हो जाएगा। नेहा कैसे रह पाएगी सैम के बिना और सैम कैसे रह पाएगी नेहा के बिना, ये सारे सवालों के जवाब सैम के माइंड में चल रहे रहते हैं। और नेहा समझ तो चुकी रहती है बट वो कुछ कहना नहीं चाहती थी, कभी कभार आंखें बहुत कुछ कह देती लफ्ज़ों से ज़्यादा, वही नेहा के साथ हो रहा था। पर एज यूजुअल काम में बिजी हो जाते हैं सब के सब। और फिर इनकी जो इतनी सारी मीटिंग्स प्रोजेक्ट्स होती है वो दिन भी इनका ऐसे ही बीत जाता है। अब फाइनली आ चुका रहता है फ्राइडे। फ्राइडे के दिन ये लोग अपना पूरा काम को वाइंड अप कर रहे रहते हैं, और इतने इस ड्यूरेशन के बीच में, फ्राइडे तक ड्यूरेशन के बीच में जो राहुल रहता है उसे अपना पीजी मिल चुका रहता है, वो पीजी में चला जाता है, उसे पीजी मिल जाता है, और वो भी अपनी जो जॉब लाइफ है कर रहा रहता है, लेकिन वो जॉब लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा रहता है जितना इनकी लव लाइफ में इंटरेस्ट दिखा रहा रहता है। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत रहती है, राहुल उन्हीं में से रहता है, उसे अपना करियर का अता पता नहीं रहता है लेकिन उसे ये रहता है। और राहुल बहुत थोड़ा सा लोगों की चुगली वुगली करने वालों में से रहता है, और वो सोचता है कि उसे सैम इन सब पे नज़र रखना है, तो वो ब्रोकर से भी उसका नंबर वगैरह ऐसे लेकर ही रखता है कॉन्टैक्ट के लिए। तो जो सैम रहती है वो फ्राइडे को कॉल करती है ब्रोकर को जिसका नंबर उसने राहुल को भी दिया था, उस ब्रोकर को फ़ोन करके बोलती है कि मुझे एक फ्लैट ख़रीदना है, आई जस्ट वॉन्ट टू परचेज़ अ प्रॉपर्टी, मुझे 1.5 BHK भी चलेगा या तो 1 BHK भी चलेगा। तो ब्रोकर बहुत शॉक्ड हो जाता है, बोलता है मैडम अभी तो आपके जो भाई है, वो जो भैया है जिसका आपको नंबर था, जो भी है वो राहुल सर जो भी है, कहता है उसको तो मैंने दे दिया, वो 1 BHK फ्लैट ख़रीदेंगे, वो इतना कंजूस है ना, वो कुछ फ्लैट व्लैट नहीं ख़रीदने वाला, उसने ना पता है मेरा ब्रोकरेज का चार्ज भी ढंग से नहीं दिया, कितना पागल मच्छी बच्ची हुई है मैडम, ऐसे लोगों के लिए मैं घर नहीं देख रहा। सैम बोलती है अरे तुम सुनो तो सही, तुम कहाँ बकबक करे जा रहे हो, और राहुल को छोड़ो मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है, मुझे मेरे लिए चाहिए, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे मेरे लिए फ्लैट चाहिए।
पर मैडम आपका तो ऑलरेडी है। तो कहती है हाँ बट मुझे परचेज करना है प्रॉपर्टी। आप समझ क्यों नहीं रहे हो, जिंदगी भर थोड़ी ना ऑफिस के फ्लैट पे रहूंगी, खुद का भी तो घर होना चाहिए ना। तो कहता है ठीक है मैडम आप जो बोलो, अभी प्रॉपर्टी है बहुत सारे यहाँ पर है, लोकेशन बताइए कहाँ चाहिए। तो वो कहती है लोकेशन कहाँ अच्छा मिलेगा, मतलब रीजनेबल रेट पे अच्छा है। तो कहता है मैम अगर आप अंधेरी बैंड्रा यहाँ की बात कर रहे हो ना, यहाँ बहुत ज़्यादा हाई रेट है, आपको यहाँ नहीं मिलने वाला। क्या बोलते हैं न्यू मुंबई में लो ना, वसई खारघर ये सब बहुत अच्छे अच्छे हैं, वहाँ पे ले लो, या फिर अपना विरार इन सब जगह लो। वो बोलती है मैं यार ये दोनों लाइंस में कभी ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, मैं तो वेस्टर्न वाली हूँ ना। तो यार मैं क्या बताऊँ, थाने के आसपास देख लो, पवई में लो, सबसे सही है इंसान है ना पवई में लो आप प्रॉपर्टी, पवई की प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी रहती है आप चाहो तो। सैम बोलती है ओके फाइन पवई इज़ ओके, पवई दोनों को मिलाता है, सेंट्रल लाइन और प्लस वेस्टर्न लाइन को मिलाता है, तो पवई इज़ अ वेरी गुड प्लेस। तो वो डिसाइड करती है कि उसे जाना है। जैसी वो बात करती है तो वहाँ से राहुल का भी फ़ोन आता है ब्रोकर को। अब वो बोलता है कि हाँ है ये प्रॉब्लम इशू हो रही है मुझे, वो इशू हो रही है, इधर उधर का बताता है, पानी नहीं आ रहा। तो कहता है यार मैडम एक तो आप इंसान हो, आप कैसे इंसान हो, छोटी छोटी बात के लिए लड़ते रहते हो। ब्रोकर ये सारी बात राहुल को बोल रहा था, और एक वो मैडम है जो अपने लिए फ्लैट ले रही है, वो इतनी कंजूसी नहीं करती जितनी आप करते हो, पता नहीं कहाँ से आए हो आप, छोड़िए। तो राहुल को यहाँ पर पता चलता है कि सैम एक्चुअल में फ्लैट देख रही है, उसका और इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि वो फ्लैट क्यों देख रही है और क्या चीज़ है। तो सैटरडे को उसे ब्रोकर के साथ वो फ्लैट्स देखने जाना रहता है। सैम सैटरडे को नेहा के साथ फ्लैट्स देखने जा रही रहती है, वो बहुत सारे फ्लैट्स देखती है। तो नेहा बोलती है बेबी हम फ्लैट्स देखने क्यों आए, तो कहती है बेबी हम अपना खुद का भी तो घर लेंगे ना, हम कब तक कंपनी के घर पे रहेंगे, और अगर कल कंपनी छोड़ दी तो हमारे रहने का फ्लैट भी चला जाएगा, तो हमारे खुद की भी तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। नेहा जब ये बात सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि सैम इतने दूर का भी सोचती है। तो वो बोलती है बेबी कॉस्ट भी तो होता है, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि सब मैनेज कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, प्रॉपर्टी तो लेनी है बेबी। ऐसे करके ये लोग बहुत सारे फ्लैट्स देख रहे रहते हैं। फिर करीब बहुत सारे फ्लैट्स देखने के बाद सैम को एक फ्लैट पसंद आता है जो टॉप फ्लोर पर रहता है, पर वहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है, साथ ही साथ एक बालकनी रहती है, वो 1.5 BHK रहता है और बहुत सुंदर सा रहता है। नेहा को वो बोलती है आपको पसंद आया, तो कहती है हाँ डेफिनेटली पसंद आया। और ऐसे करके ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो फ्लैट वो खरीदेंगे। फ्लैट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा रहती है यार, करोड़ों का फ्लैट्स रहता है वो, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है। तो नेहा बोलती है हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट, तो कहती है बाय लोन, सभी पूरी दुनिया में यही करते हैं ना। अब मैं इतना ज़्यादा पैसा तो जेब में लेके घूमती नहीं हूँ ना नेहा, ऑफ कोर्स यार लोन लेंगे बेबी, डोंट वरी यार वी विल पे इट। और वो फिक्स करके वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद जो ब्रोकर रहता है उसको फिर राहुल का कॉल आता है, और वो खुद बताता है मैंने ये फ्लैट दिखाया है। मतलब राहुल तो एकदम चिपक सा गया था, उसे क्या लेना देना क्या करना है ये सब उसे खुद नहीं पता था, बट वो जानना ज़रूर चाहता था। तो सैम ये फ्लैट लेती है, जब वो घर जाती है तो वो अपने सेविंग्स वगैरह सब चीज़ पता करती है कि डाउन पेमेंट उसे कितनी करनी है, कितने के लिए उसे लोन के लिए अप्लाई करना है, और कैसे उसे घर खरीदना है। तभी नेहा बोलती है बेबी क्या ज़रूरत है, तो सैम बोलती है बेबी हमें लाइफ टाइम एक साथ रहना है, हमें खरीदना तो पड़ेगा ना। तो कहती है बेबी यार पर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है ना, वो 1.5 CR का है, तुम कैसे खरीदोगी। तो कहती है हाँ बेबी मुझे पता है पर लेना तो है ना, अभी देखो अभी हमारी सैलरी अच्छी है, हम अच्छे खासा अर्निंग करते हैं, हम अभी अगर नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे, बुढ़ापे में। नहीं बेबी बुढ़ापा मुझे तुम्हारे साथ बिताना है अच्छे से, यार इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, हमें लेना चाहिए। नेहा बोलती है यार ठीक है ओके फाइन हम दोनों मिलके लेंगे फिर। तो सैम बोलती है नो बेबी, मतलब तुम्हारा ही वो घर होगा, मुझे कोई इशू नहीं है, बट साथ में लेके नहीं ले सकते ना, तुम्हारी अगर सैलरी से कुछ भी पैसा डिडक्ट होगा या कहीं जाएगा, तुम अपना पैसा दोगी, योर मॉम इज़ गोइंग टू आस्क यू हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स कि कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ पैसा गया, क्या हुआ, क्या जवाब दोगी कि तुमने
अपनी वाइफ के साथ मिलकर ले गया। तो सैम, तभी नेहा बोलती है, हाँ मेरी वाइफ जब मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती है तो मैं नहीं कर सकती, फिर भी यार तुम कितना करोगी, मैं नहीं चाहती कि सारा बर्डन तुम्हारे सर पे जाए। तुम पता है, तुम्हें अभी पता है तुमने रिसेंटली 50,000 रुपीज़ खर्च करे हैं ये सब ट्रिप ट्रिप वगैरह में, क्या ज़रूरत थी? मेरा बर्थडे इतना भी ज़रूरी नहीं था सेलिब्रेट करना, जो काम पैसों कम में हो सकता था तुम इतना करने की क्या ज़रूरत थी? तभी सैम उठती है, नेहा के पास जाती है, उसे हक करती है, बोलती है, मेरी जान कितना सोचती हो तुम, पैसों का अचार डालूं मैं, कमाते किस लिए, खर्च करने के लिए, और जब अपनी प्यार आपके साथ हो तो खर्च करने में क्या जाता है? मेरी जान, आप पे खर्च करना मेरा हक है, आई लव यू ना मेरी, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, 50,000 ही तो गए ना, कमा लेंगे, आगे भी तो सैलरी आएगी ना, खर्च करना तो बनता है हमारा। और ऐसे करके वो नेहा को किस करने लगती है, दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे रहते हैं, और किस करने के बाद वो और कुछ करते उससे पहले पप्पी आ जाता है उन दोनों के बीच में, और पप्पी भौं भौं करके उन्हें बताया जाता है कि मैं भी हूँ यहाँ पर। फिर दोनों उस पप्पी को गोदी में लेते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं, फिर कहते हैं, इसको तुमने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो कहती है, हाँ आई एम रियली सॉरी, हम बस अभी चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ फिर हम चलते हैं। ऐसे कह के सैम अपने लैपटॉप्स में कुछ काम कर रही रहती है, क्योंकि वो बैंक्स में अपने लोन का अप्लाई कर रही रहती है, उसे इंटरेस्ट रेट देखने रहते हैं कि किस पे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, वो सब उसमें लगी रहती है। तभी नेहा बोलती है कि लोन ले लो, हम दोनों लोन लेते हैं, मैं आधा लेती हूँ तुम आधा लोन ले लो, ऐसे करेंगे तो हम कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम ये ब्रोकर्स वगैरह की से बात बात होती है, और इनका ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, क्योंकि इतनी इजीली लोन वगैरह मिलता नहीं है, पर इनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ब्रोकर से भी उन लोगों की बात हो जाती है कि घर हमें लेना है और यही फाइनल करिए और यही लोकेशन है पवई, और हमें ये सब लेना है। सब अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, सैटरडे को तो ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने इसी काम में। शाम के टाइम पे जो नेहा और सैम है वो जाते हैं बेबी को, मतलब बेबी बोल रही हूँ सॉरी, पप्पी को लेकर, और उसको वहाँ पे वैट के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और वैट वहाँ पर सब कुछ उनके लिए करता है, उसे इंजेक्शंस लगाता है, और ये लोग अब वो उस पप्पी को भी अपना पप्पी बनाते हैं, तो उसके लिए सारे इंस्ट्रक्शंस खाने पीने के जाके बहुत सारी शॉपिंग्स करके लाते हैं, और ऐसे ही इन लोगों का वो दिन भी पूरा बीत जाता है। नेक्स्ट डे उन्हें याद रहता है कि अंकल ने उन्हें वॉलेंटियर के लिए बोला रहता है, तो वो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और वॉलेंटियर के लिए जा रहे रहते हैं। तभी नेहा को राहुल का फ़ोन आता है, वो बोलता है, संडे का क्या प्लान है यार, जब से मैं आया हूँ 1 हफ़्ता हो गया है मुझे, तुम यार हमसे बात ही नहीं करते हो यार, कहीं घुमाने भी नहीं जा रहे हो, मुंबई आया हूँ यार कहीं तो घुमाओ। नेहा का इतना गुस्से का लेवल हो जाता है, कबाब में हड्डी बन गया ये, अब क्या करूँ। तभी सैम बोलती है, बुला लो उसको, तो नेहा बोलती, क्यों बुलाओ तो सही, तो वो बोलता है, ठीक है तुम हमारे फ्लैट पे आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ। तो वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है करो, एक्चुअली एड्रेस तो उसके पास पहले से रहता है, बट वो ये बताता तो है नहीं है कि एड्रेस उसके पास में है, और ऐसे करके वो थोड़ा आधे घंटे में इनके पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है तो वो बोलता है, चलो तैयार, तो वो सब के सब तैयार हो जाते हैं, और वो सेक्रेटरी अंकल के पास जाते हैं, क्योंकि वो वॉलेंटियर करने वाले रहते हैं, तो इसमें वो राहुल को भी वॉलेंटियर के काम पे लगा देते हैं, और बोलते हैं कि तुम्हें घूमना था ना, तो कहता है, अरे पर मुझे शॉपिंग वगैरह करना था, तो वो कहता है कि हाँ हाँ कर लेना, हम जहाँ जाएंगे पैसे एक्स्ट्रा रख लेना, वहाँ से हम कुछ सामान खरीद लेंगे, ये फूड कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये चैरिटी है जो हमारी सोसाइटी हर साल करती है, हर महीने करती है जब भी उन्हें टाइम मिलता है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जाकर इन लोगों को फूड सप्लाई करना है, तो इसी बहाने तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें मुंबई भी घूमने को मिल जाएगा और तुम्हारा कुछ अच्छा काम भी हो जाएगा, पता है काम करोगे तो सुखमय जीवन हो जाए, चलो थोड़ी सी चैरिटी कर लो, पुण्य मिल जाएगा, सैम ऐसे कहती है। राहुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है, और सैम, नेहा
और नेहा जो सैम के कुछ और दोस्त रहते हैं जैसे कि जैस, मानसी वगैरह सब होते हैं, वो सबको बुलाती है क्योंकि एक नेक काम के लिए तो यार सबको आना चाहिए। और ऐसे सब आते हैं, मस्ती मजाक करते हुए चलते हैं। ये लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जाके फूड सप्लाई कर रहे रहते हैं, सब कुछ अच्छा ही चल रहा रहता है। लेकिन जो राहुल की नज़र रहती है वो सैम और नेहा पर ही रहती है, और जो जैस रहती है उसे पहले से पता रहता है कि सैम और नेहा कपल हैं, तो वो बीच में अगर गायब भी होते तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी थोड़ी देर में सब कुछ सप्लाई करने के बाद सैम और नेहा बीच बीच में रोमांस कर रहे रहते हैं, कभी कार के अंदर जाकर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं, कभी बिल्डिंग के पीछे का जो एरिया रहता है, बिल्डिंग के पीछे का कुछ एरियाज रहता है वहाँ पर भी वो जाकर एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। जो राहुल रहता है वो ढूंढ रहा रहता है इनको, और उसकी नज़र तो इस बार इन पे टिकी गई है। बेचारे सैम और नेहा कहाँ फंस चुके थे इस राहुल के चक्कर में, वरना तो इनकी लव लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। पर कहते हैं ना, लव लाइफ चलते चलते विलन भी आना ज़रूरी है, विलन नहीं आएगा तो ट्विस्ट एंड टर्न कहाँ से आएंगे, उनकी लाइफ में भी आ जाता है। तो जब नेहा और सैम एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और वो बहुत डीपली और पैशनेट किस कर रहे रहते हैं, तो वहाँ पे राहुल आ जाता है। राहुल इन दोनों की पिक खींच लेता है और पिक क्लिक करने लगता है और वीडियो बनाने लगता है। और थोड़ी देर में जब नेहा को ऐसा फील होता है कि द समवन वॉज लुकिंग अस, तो वो जैसे ही टर्न होती है तो वो राहुल को देखती है और सैम से थोड़ा दूर होती है और कहती है, राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैम दिखती है, बोलती है कि, तो कहता है कि वही जो तुम लोग कर रहे थे उसी को देख रहा था मैं। आई डोंट नो गाइस, यू आर इन रिलेशनशिप, यू आर किसिंग ईच अदर, कैसे हो यार तुम लोग? मुझे डाउट तो हो चुका था बट मुझे इतना नहीं पता था कि ये सब चल रहा है। नेहा, तुम्हारी मम्मी को पता भी है कि तुम सैम के साथ ये सब करने के लिए यहाँ मुंबई आई हो? नहीं पता है तो मैं अभी कॉल करके बता देती हूँ। तभी नेहा बोलती है, नो नो राहुल, राहुल ऐसा काम मत करो, मॉम को इन्वॉल्व मत करो इन सब चीज़ों को, ये तुम्हारा और मेरा मैटर है ना, यहीं पर क्लियर करते हैं। तो कहते हैं, नहीं, हमारा और तुम्हारा मैटर नहीं है, हमारा तुम्हारा और सैम का मैटर है, सैम भी तो इन्वॉल्व है ना इसमें। सैम थोड़ी देर उसे देख के बोलती है कि हाँ हूँ, कहना क्या चाह रहे हो तुम? चीज़ें साफ साफ नहीं कह सकते हो, मुझे घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है, क्या चाहिए तुम्हें? तो कहता है, क्या चाहिए मुझे? गुड क्वेश्चन, जो तुम नेहा के साथ कर रही थी वो मेरे साथ करो। व्हाट? सैम शॉकली पूछती है। तो वो बोलता है, हाँ अगर तुम ये चाहती हो कि मैं नेहा के मॉम एंड डैड को तुम्हारे इसके रिलेशनशिप के लिए बात बताऊं तो मुझे तुम्हें किस करना पड़ेगा, तुम मुझे किस करो और मैं नहीं बताऊंगा, वरना ये वीडियोस तो सब जगह वायरल हो जाएगी। तुम जानती हो ना नेहा, हमारा फैमिली ग्रुप है, उसमें डाल दूँ क्या? सैम बोलती है, आर यू ट्राइंग टू ब्लैकमेल मी? तो राहुल बोलता है, यस आई एम नॉट ट्राइंग, आई एम ब्लैकमेलिंग यू राइट नाउ। सोच लो नेहा, तुम्हारे पास टाइम है 1 घंटे का, इस 1 घंटे में मुझे सैम के साथ वही पैशनेट वे में किस करना है जैसे तुम कर रही थी, वरना तो हर चीज़ चली जाएगी। और ऐसे कह के वो फिर से वॉलंटियर करने चला जाता है। सैम और नेहा यहाँ बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रिलेशनशिप आज नहीं तो कर डिस्क्लोज़ करना है, बट इस तरीके से डिस्क्लोज़ हो ये नहीं चाहते थे। नेहा बहुत ज़्यादा वरिड होती है, उसकी आंखों में से आंसू रहते हैं। सैम उसे हक करके बोलती, बीबी क्या हुआ? तो कहती, मॉम को अगर पता चल गया ना मेरा यहाँ 1 मिनट भी रहना मुश्किल हो जाएगा। सैम कुछ करो यार, सैम डू समथिंग। तो कहती है, ओके मैं उसे किस कर दूंगी। तो कहती, आर यू इडियट, तुम उसे किस भी नहीं कर सकती, वो डिस्गस्टिंग पर्सन है, तुम कैसे किसी को किस कर सकती हो यार, सोचना भी मत। नेहा, और कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? तो कहती है, ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब किस कर दोगी? कल पता है वो और ब्लैकमेल करके तुम्हें सेक्स करने के लिए बोलेगा, तो क्या तुम उसके साथ जाके सेक्स कर दोगी? तुम्हें पता है ना मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ,
ये दुनिया का सबसे डिस्गस्टिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है। क्या करना है मुझे नहीं पता, बट ठीक है मेरी मम्मी को पता चल जान दो, बट मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ कि तुम्हें कोई और टच करे। सैम नेहा ये सारी बातें करके रो रही रहती है। तभी सैम उसके आंसू पोछे बोलती है, बेबी यू लव मी सो डीपली कि तुम अपनी मॉम से लड़ सकती हो। तो कहती है, हाँ बेबी मैं लड़ सकती हूँ क्योंकि प्यार करती हूँ यार तुमसे, कब कैसे हो गया मुझे भी पता नहीं चला, बट मैं लड़ सकती हूँ, जाने तो इस चूतिया को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सैम बोलती है, रुको हम कुछ और डिसीजन करते हैं। सैम जाती है राहुल के पास और बोलती है, बैठो यहाँ पर। राहुल उसके सामने बैठता है, बोलता है, ओह तो तुम पब्लिकली मुझे किस करोगी। सैम बोलती है, मैं यहाँ किस करने नहीं आई हूँ तुम्हें, तुम्हें किसके अलावा और क्या चाहिए वो बात बोलो। मुझे कुछ और नहीं चाहिए सैम, मुझे तुमसे किस ही चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें किस नहीं करूँगी। और तुम सोच रहे हो कि किस से ज़्यादा भी कुछ होता है, वो भी नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। सो तुम ना ये गंदी सोच अपने पास ही रखो, तुम्हें क्या करना है तुम मुझे बताओ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें करना है तो कर दो, नहीं करना है तो मत करो, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं जाकर बता दूंगा उसकी मॉम को, फिर तुम जानो। सैम बोलते हैं, मैं अच्छे से बात कर रही हूँ ना तुम्हें, इसके अलावा और क्या चाहिए बात करो, ये सब चीज़ों में ना फालतू का टाइम बर्बाद मत करो, कुछ और चाहिए मांग लो, पैसे चाहिए पैसे चाहिए तो वो भी ले लो। तो कहता है, नहीं चाहिए पैसे मुझे, तुम ही चाहिए, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ राहुल, अच्छे से बोल रही हूँ, समझ के बोल रही हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, तुम इसके अलावा कुछ चाहिए तो बात करो, नहीं चाहिए तो फिर मैं अपना जो डिसीजन करने वाली हूँ ना तुम्हारे साथ वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। तो वो कहता है कि क्या करोगे तुम मेरे साथ, मेरा एक बटन गया ना तो कहीं तुम। सैम वहाँ से उठ के चली जाती है। वो थोड़ी देर में जैस के साथ बहुत कुछ डिस्कशन करती है, जैस को बताती है ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है यार, ये इंसान ना कर रहा है। तो जैस बोलती है, डोंट वरी हम हैंडल करते हैं। और ऐसे करके वो फिर से राहुल की तरफ आती है और राहुल को बोलती है कि मैं किस तो तुम्हारे साथ नहीं करूँगी, बट तुम चाहो तो कुछ और कर सकती हो। तो कहता है, ओके क्या करना चाहती हो तुम, ठीक है मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूँगी अगर तुम्हें कोई इशू ना हो तो। तो कहता है, नहीं नहीं मुझे बिल्कुल इशू नहीं है। तो कहती है, ठीक है तुम पहले वो फ़ोटोज़ फिर डिलीट कर दोगे और वीडियोस और नेहा के पास नहीं जाओगी। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाती है। तो वो कहता है, कब करना है। तो कहती है, आज रात को 8 बजे कोर्टयार्ड मैरिट में, तुम्हें पता है ना वो होटल, मैं तुम्हें स्वीट नंबर भेज दूँगी। तो कहता है, ठीक है मुझे कोई इशू नहीं है। जैसे ये नेहा को ये बात पता चलती है, नेहा इतनी ज़्यादा गुस्से में आके सैम को थप्पड़ मारती है, कहती व्हाट इज़ दैट। तो वो बोलती है, बेबी काम डाउन यार, मैं उसके साथ कुछ करूँगी क्या आपको लगता है, सेक्स इज नाउ, देर इज़ अ सम डिफरेंट प्लान, मैं जैस वगैरह हम लोगों ने प्लान बनाया है, तुम्हारे भाई को इस बार बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया जाएगा, तुम डोंट वरी फॉर दैट माई लव, कुछ नहीं होगा। नेहा तो बोलती है, बेबी खुद मत फंस जाना। तो कहती है, नहीं बेबी मैं नहीं फंसूंगी, और मैं फंस भी गई तो तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। तो कहती है, मैं यहाँ खुद मरी पड़ी हुई हूँ और मैं तुम्हें बचा पाऊँगी। तो कहती है, बाकी दोस्त है ना मुझे बचाने के लिए, और तुम्हारी सासू माँ भी तो है। तो कहती है, मेरी सासू माँ तो औसम है, ऐसे कह के वो चली जाती है। दोनों अपना सोच रहते हैं, फिर एक्चुअल में उन्होंने सिर्फ ये बोल तो दिया रहता है कि कुछ करना है, बट एक्चुअल में प्लान है क्या और कैसे एग्जीक्यूट करना है ये सब के बारे में वो सोचने लगते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या प्लान है, कैसे वो राहुल का बैंड बजाएगी अपने दोस्तों के साथ मिलके। तब तक के लिए, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब करो।